Mohan, ab to khedi o girthe, ab to khedi. Madhe vira mandir me mira ekli khedi. निवेदन करूं कर्नाटक सरकार के मंत्री महोदय की सहजता, जो हमारे भक्तों के बीच में बैठना चाहते हैं जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जो हमारी सरकार में आपके कर्नाटक राज्य में हमारे स्टेट मिनिस्टर संतोष जी लाड, हम आपका स्वागत करते हैं। बहन आशा जी वैष्णव, ज्यादा तारीफ कर दी। मैंने कहा बहनें आज बहुत ही मूड में हैं और माताएं बहनों को राजी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये राजी तो हैं राजी, और ये बगड़े बच्चे
आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं पहले माता बहनों को राजी कर देती हूँ। सभी माता बहनों से निवेदन करती हूँ, मैंने कहा था कि कृष्ण की भक्ति करनी और जन्माष्टमी का ये पावन महोत्सव है, तो कोई भी चिंता, देखिए माता बहनों को ये चिंता रहती है कि सुबह खाना सब्जी क्या बनाएंगे, लेकिन इतनी टेंशन घर के काम की नहीं करनी, आज तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। तो सभी माता बहनों से निवेदन करती हूँ, जहाँ आपका मन लगे, जहाँ आपको लगे कि मैं नाच कर कृष्ण भगवान को मनाना चाहती हूँ, कि मैं भजन गाती हूँ, मैं भजन गाती हूँ, तो आपको मीरा बनकर राधा बनकर आज नाच कर भक्ति करनी है। पहले तो गाकर कर लीजिए, फिर जहाँ आनंद आए वहाँ खड़े होकर नाच के भक्ति करना। मैं एक लाइन गा रही, एक लाइन सभी माता बहनें मेरे साथ में गाएं। देखे वो तू सावरा में पाय लिया बन जाबू, इतनी कमजोर आवाज में नहीं गाना, जितने घर से जोर से चिल्लाते हो तेज आवाज में बोलते इतनी तेज आवाज से गाना है। और देखो बिंदड़ियों ने गाए तो हाऊ जी ने सौगंध है, और हाऊ जी ने बिल्कुल उन्होंने सहेली और सौगंध है, पड़ोसी ने भी सौगंध डाल दूंगे। सभी लोगों से निवेदन तेज आवाज में गाइए। अरे देखे वो तू सावरा में पाय लिया बन जाबू, तालियां बजा दीजिए क्योंकि बहुत ही सुर में गा रहे मेरे साथ में। देखे वो तू सावरा में पाय लिया बन जाऊ, पेरण लागो साब रो रे, पेरण लागो साब रो तारी, मैं कभी रम जाऊ। मीरा
छोटे छोटे बच्चों को भी वो भजन पता होता है, और वही भजन हम मैं इसलिए गाती हूँ कि वो भजन आप लोगों को भी पता हो, तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं और आपको भी आनंद आए, आपको भी आप भी गाकर कृष्ण भगवान की भक्ति में अपनी हाजिरी लगा दें। हम तो रोज़ भक्ति करते हैं, लगभग 3-4 दिन पहले हमारे भजन संध्या चालू हो गई, तो 1 महीने लगातार हमें गाना है पूरे बादवे में। तो कृष्ण भगवान की भक्ति में देखिए, भगवान के प्रभु के गुणगान करते भगवान अपने आप शक्ति देता है। तो मैं निवेदन करती हूँ आप लोगों को, सत्संग कभी कभी नसीब होती है, आज मेरे साथ आप भी कुछ भक्ति कर लीजिए। जन्माष्टमी का इस पावन महोत्सव पर हम सभी लोग तन मन कोई भी कसर नहीं छोड़नी है कृष्ण भगवान की भक्ति करने में। तो मैं निवेदन करती हूँ धीरे धीरे थोड़ा मन आपका भी बनेगा, मेरा भी बनेगा, थोड़ा माहौल बनते बनेगा। ये दूसरा पहला ही भजन कृष्ण भगवान का है, थोड़ा सा बिल्कुल ये भजन सभी लोग जो जानते हैं, जहाँ भी आपको भाव लगे। मैंने कहा था ना कि आनंद आएगा नहीं, आनंद आएगा नहीं, आनंद आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर दूं खुल के भक्ति करें, और कोई भी प्रकार की जितने भी देखें यहाँ पर दूर दूर तक सारे भक्त बैठे हैं। बोले चार भुजानाथ की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हो मीठे रस में भरोड़ी राधा। अब राधा खड़ी होकर भी नाच सकती है। बहुत ही सारी व्यवस्था में अभी आप लोग व्यस्त हो, क्या बात है, बाबूजी ने तो अच्छी आज है, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, देश प्रेमी है। अच्छा देखिए खुद ही बजा रहे था। मैं निवेदन करती हूँ ये होती है आनंद की बात देश के प्रति। आज मैंने कहा था कि दो दो खुशियां एक साथ में हैं, और दोनों खुशियां साथ में हम लोगों को समेटनी है। लेकिन पहले कृष्ण भक्ति करेंगे 12 बजे तक, उसके बाद जैसा आप लोगों का आदेश होगा। लेकिन मैंने कहा था ना बहुत ही सारे मंडल में आप आज के इस कार्यक्रम को लेकर कई महीनों से ये तैयारियां चल रही है, और इतना सुंदर व्यवस्था मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक बार पूरे मंडल के लिए तालियां बजा दीजिए जिनकी इतनी सुंदर व्यवस्था है। अब व्यवस्था करने वालों ने की है,
आप लोगों को तो बिल्कुल मुफ्त में आनंद लेना है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, बड़े भाव के साथ थोड़ा सा भाव दिखाते रहिए, क्योंकि देखिए कलाकारों को भी जोश दिलवाना आप लोगों का काम है, वरना हम तो भजन गाते ही हैं और भाव से भक्ति करते हैं, लेकिन कलाकारों के साथ अगर आप लोगों के भाव जुड़ते हैं तो उस भक्ति में चार चांद लगते हैं और तब जाकर मेरे कृष्ण भगवान की हाजिरी लगती है चरणों में। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, एक बार दोनों हाथ उठा के और थोड़े से नाचते हुए गाते हुए भक्ति करे, बोले चार भुजा नाथ की राधे। जोश आ रहा है।